नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री जगन्नाथ महतो पूरी तरह से स्वस्थ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाने जाएंगे चेन्नई। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं, वे शीघ्र ही रांची लौटेंगे। उन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाने के लिए चेन्नई जाएंगे। इसके लिए जो है चेन्नई के एमजीएम अस्पताल प्रबंधन ने मुख्यमंत्री से समय मांगा है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जो है जगन्नाथ महतो ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूबरू हुए। उनका चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में फेफड़ा का प्रत्यारोपण हुआ है और वे अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जगन्नाथ महतो का कोरोना संक्रमण के कारण फेफड़े का प्रत्यारोपण हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने स्तर पर पहल कर बेहतर इलाज के लिए उन्हें चेन्नई भेजा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप में झारखंड को मिले 172,000 डोज। पूर्व सिंहभूम को कोविशील्ड की 10,000 डोज भेजे गए। झारखंड में बुधवार को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की दूसरी खेप पहुंची है। केंद्र की ओर से झारखंड को इस बार वैक्सीन के 172,000 जो है डोज भेजे गए हैं। वैक्सीन सुबह 11 बजे रांची एयरपोर्ट पहुंची, जहां से इसे नामकुम स्थित जो है स्टेट वेयर हाउस पहुंचाया गया। वहां से स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन को सभी जिलों में पहुंचा दिया है। सबसे ज्यादा जो है 21,000 डोज रांची को मिले हैं। इससे पहले वैक्सीन के 13 जनवरी को 162,000 जो है डोज की खेप झारखंड पहुंच चुकी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची की टेलर की बेटी आज कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर बैठेगी। वीमेंस कॉलेज की है छात्रा। सोनी टीवी पर चल रहे गेम शो जो है कौन बनेगा करोड़पति में गुरुवार को रांची की बेटी जो है कहकांसा जो है अमरी नजर आएगी। वह 21 जनवरी को जो है प्रकाशित होने वाले शो में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठी नजर आएगी। इससे पहले रांची की जो है नदिया नासिम और जो है सेवानिवृत्त जो है नौसेना अधिकारी विनोद कुमार केबीसी में नजर आ चुके हैं। नदिया नासिम ने 1 करोड़ रुपये जीतकर इस सीजन में पहली करोड़पति होने का जो है गौरव हासिल किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि पछुआ हवा से बढ़ी कनकनी, अभी 3 डिग्री और गिरेगा न्यूनतम तापमान। गुरुवार की सुबह रांची समेत आसपास के जिलों में सुबह जो है घना कोहरा देखने को मिला। हालांकि सुबह 7 बजे के बाद जो है मौसम थोड़ा साफ हुआ। वहीं सुबह पछुआ हवा के कारण लोगों को कनकनी महसूस हुई। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि रांची समेत आसपास के इलाकों में अगले 4 दिनों तक कोहरा और धुंध देखने को मिलेगा। वहीं पछुआ हवा और जो है आसपास जो है मौसम साफ होने के कारण न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि 24 जनवरी के बाद लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 125 नए संक्रमित मिले हैं, वही 170 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। झारखंड में अब तक जो है 1057 मरीजों की मौत हो चुकी है, वही अब तक जो है 118,012 संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें से जो है 115,853 स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय कुल एक्टिव केस जो है 1102 है। वही रांची से 65 नए संक्रमित मिले हैं, वही बोकारो से 4, धनबाद से 5, दुमका से 2, पूर्वी सिंहभूम से 17, गढ़वा से 3, गोड्डा से 5, हजारीबाग से 2, जामताड़ा रामगढ़ साहिबगंज लातेहार से 1-1, पलामू से 7 और जो है सिमडेगा से 7, पश्चिम सिंहभूम से 4 नए संक्रमित मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीआरएफ जवान के खाते से साइबर ठगों ने उड़ाए 113,000 रुपए। जमशेदपुर शहर में साइबर अपराध के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। नए मामले में साइबर ठगों ने सुंदरनगर के सीआरएफ कैंप में तैनात जवान मो कसिम से 113,650 रुपए की ठगी कर ली है। कसिम ने साइबर थाना में प्राथमिकता दर्ज कराई है। मूल रूप से बिहार के मुंगेर जिला निवासी मो कसिम ने बताया है कि बुधवार को उनके पास एक अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ठग ने कहा कि जो है कसिम को लॉटरी में जो है अपाची बाइक और 50,000 रुपए का इनाम निकला है। कहा इनाम लेने के लिए 500 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा और एनएडैश ऐप डाउनलोड कर पासवर्ड डालना होगा, साथ ही बैंक डिटेल देने को कहा। मोकसिस ने जैसे ही ऐप डाउनलोड कर पासवर्ड डाला, उनके खाते से क्रमशः 500 रुपए, 12,000 जो है 500 रुपए, 50,000 और फिर 50,000 रुपए, कुल मिलाकर जो है 113,650 रुपए की निकासी कर ली गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम के काफिले पर हमला मामला, मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज। अब जो है नायुक्त की अदालत में अपील की तैयारी। सीएम हेमंत सोरेन के काफिले रोकने का प्रयास व उपद्रव करने के मुख्य आरोपी भैरव सिंह की जमानत याचिका गुरुवार को निचली अदालत से जो है खारिज कर दी गई है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता जो है अभय कुमार तिवारी ने बताया है कि निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद अब जो है नायुक्त की अदालत में अपील की जाएगी। इस मामले में भैरव सिंह ने 7 जनवरी को जो है न्यायिका दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद की अदालत में खुद सरेंडर किया था। इसके बाद उसे जो है जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने भैरव सिंह को जो है भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन आदि का आरोपी बनाया है। इस मामले में सुखदेव नगर थाना से 70 से ज्यादा लोगों के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज की गई है। अभी तक 34 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर बोले कृषि कानून को वापस ले केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से किसान आंदोलन के समर्थन में नए कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि किसानों का इतना बड़ा
समूह आर पार की लड़ाई की बात कर रहा है। क्या लोकतंत्र में जन भावना की कोई कदर नहीं है? पिछले कई दिनों से सड़क पर जो उतरकर आंदोलन कर रहे किसानों के जो है मामले पर हेमंत ने कहा कि केंद्र सरकार में शामिल लोग समस्या का समाधान निकालना चाहेंगे तो क्यों नहीं निकलेगा, सवाल उठे तो हल होना चाहिए। किसानों की बात नहीं सुनना जो है हठ धर्मिता है। मुख्यमंत्री बुधवार को नई दिल्ली में एक न्यूज चैनल से बातचीत कर रहे थे। एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान लंबे समय से घर परिवार और बच्चों को छोड़कर आंदोलन कर रहे हैं। कई किसानों के साथ जो है अब बच्चे भी जो है सड़क पर आ गए हैं। यह दुखद दौर है जहां अन्नदाताओं को अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, जल्द चलेगी ये ट्रेनें। झारखंड से बिहार और गुजरात जाने वाले यात्रियों के लिए जल्द दो ट्रेन चलने वाली है। इनमें से एक रांची भागलपुर एक्सप्रेस और दूसरी जो है मालदा टाउन सूरत साप्ताहिक एक्सप्रेस शामिल है। पूर्व रेलवे के जो है मालदा रेल मंडल ने देश भर के अलग अलग रूटों पर 22 ट्रेनों को जो है चलाने की अनुमति मांगी है। इसमें से धनबाद और बोकारो चलने वाली दो ट्रेन शामिल हैं। दोनों ट्रेन जो है स्पेशल बनकर चलेगी और उनका टाइम टेबल पहले की तरह जो है बने रहने की संभावना है। रेलवे के विभागीय सूत्रों के अनुसार इसी हफ्ते दोनों ट्रेन के चलने की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। रांची भागलपुर एक्सप्रेस पहले ही की तरह जो है मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को रांची से और बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी। मालदा टाउन सूरत जो है एक्सप्रेस मालदा से हर शनिवार और सूरत से प्रत्येक बुधवार चलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द किया सहायक अभियंता नियुक्ति का विज्ञापन, कल से होने वाली थी परीक्षा। झारखंड हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण देने के मामले में एक फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि जब वर्ष 2019 में सरकार ने उक्त वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है तो यह नियुक्ति पर जो है उसी साल से लागू होगा, ना कि पिछले साल से। दरअसल रंजीत कुमार शाह ने सहायक अभियंता की नियुक्ति को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि सहायक अभियंता नियुक्ति वर्ष 2015 से लेकर 2019 तक के लिए है। राज्य सरकार ने 23 फरवरी 2019 को आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है और उसी के अनुसार नियुक्ति के लिए जो है जेपीएससी को अधियाचना भेजी गई है, लेकिन इस नियुक्ति में वर्ष 2015 और 16 की वैकेंसी भी शामिल है। ऐसे में इस वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता क्योंकि कानून वर्ष 2019 में लागू हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में बर्ड फ्लू का खौफ, 20 दिनों में आधी हुई चिकन की बिक्री, दाम में 25% की गिरावट, अंडा भी सस्ता। कोरोना के बाद देश में बर्ड फ्लू का खौफ है। 11 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है लेकिन झारखंड अभी तक इससे सुरक्षित है। राज्य में अब तक जो है बर्ड फ्लू का एक भी केस सामने नहीं आया है। बुधवार तक झारखंड से लगभग जो है 4280 से ज़्यादा जो है नमूने जाँच के लिए रीजनल जो है डिजिट जो है डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी कोलकाता भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक जो है किसी भी सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। संक्रमण भले ही झारखंड ना पहुंचा हो लेकिन रांची में लोग इससे सहमे हुए हैं। इसका सीधा असर रांची के चिकन और अंडा कारोबारियों पर देखने को मिल रहा है। पिछले 20 दिनों में चिकन की बिक्री में लगभग 50% गिरावट दर्ज की गई है। अंडा और चिकन की कीमतों में 20-25% की गिरावट आई है। रांची में पोल्ट्री फार्म चलाने वाले सौरभ बनर्जी ने बताया है कि 1 जनवरी से पहले वो रोज लगभग 75,000 किलो मुर्गा बेचते थे, लेकिन अभी वो जो है घटकर लगभग जो है 30-35,000 किलो रह गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेसियों ने आपस में जमकर चलाई लातघूसी, मारपीट से सभा में जो है मची भगदड़। कांग्रेसियों ने बुधवार को सत्य व अहिंसा का मार्ग त्याग कर रामगढ़ स्थित जो है सीसीएल तोपा परियोजना कार्यालय परिषद को रण क्षेत्र में तब्दील कर दिया है। मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर जो है परियोजना कार्यालय में धरना दे रहे कांग्रेसी भाषण देने के विवाद में आपस में ही भिड़ गए। दो गुटों में बटे कांग्रेसियों के बीच जमकर गाली गलौज और मारपीट हुई। इस घटना में कांग्रेस नेता श्याम सिंह घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें जो है सदर अस्पताल भेजकर प्राथमिक उपचार कराया है। इस मामले में दोनों ही पक्षों की और से एक दूसरे पर गाली गलौज और मारपीट की प्राथमिकता दर्ज कराने का आवेदन दिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।